तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि अभी कुछ ही समय पहले ही भाई राजीव बजाज ने बोला था कि ये जो बजाज कंपनी का अपकमिंग जो पल्सर है ना, तो उसके अंदर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, वो भी 125 सीसी से लेके 200 सीसी के अंदर। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि अभी वीडियो के अंदर हम लोग बात यही करने वाले हैं कि जो 125 सीसी से लेके 200 के अंदर जो भी कुछ पल्सर है तो उसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, मतलब एक्सपेक्टेड चीजें जो है तो वो क्या कुछ है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना भाई। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि देखो अभी कुछ ही समय पहले राजीव बजाज ने बोला था कि 125 सीसी से लेके 200 सीसी के अंदर जो भी कुछ पल्सर है तो उसके अंदर अपडेट आने वाले हैं। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि ये जो अपडेट है ना, तो ये अलग अलग सीसी के लिए अलग अलग होने वाला है, जिसके बारे में आगे हम लोग तो बात करेंगे ही। और सबसे पहले जिस सीसी के ऊपर बात करेंगे ना, तो वो है भाई 125 सीसी के अंदर। अब देखो दोस्तों बजाज पल्सर का जो 125 सीसी वाला जो मॉडल है, मतलब बजाज पल्सर 125 वाला जो मॉडल है, तो उसके अंदर और बजाज पल्सर एनएस 125 के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा न्यू कुछ अपडेट्स, तो उसके अंदर पहले तो भाई एलईडी लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा हेडलाइट वाले जगह पर। और उसके हिस्से से ये भी है कि सिंगल चैनल एबीएस का जो ऑप्शन है, तो वो भी बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर एनएस 125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी है कि भाई जो मीटर कंसोल है ना, मतलब कि बजाज पल्सर 125 के अंदर भी आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो उसके भी अंदर गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है तो वो ऐड होने वाले हैं। और उसके ही साथ बजाज पल्सर एनएस अंदर भी आपको जो मीटर तो उसके भी अंदर गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है तो वही कुछ अभी ऐड होने वाले हैं। और इसके अलावा और कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में भाई अभी कुछ पता नहीं चला, मतलब यही कुछ है जो कि मेन अपडेट्स होने वाले हैं। और इसके हिस्से ये भी है कि बजाज पल्सर का जो एक बड़ा सीसी है ना, मतलब कि भाई जो 160 सीसी वाला कैटेगरी है, तो उसके अंदर सिर्फ अकेला एकलौता एक बजाज पल्सर एनएस 160 ही है जिसके अंदर आपको न्यू अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। और न्यू अपडेट्स के अंदर जो कुछ देखने को मिलेगा ना, तो उसके अंदर पहले बात तो भाई बजाज पल्सर एनएस 160 के आपको जो देखने को मिलेगा हेडलाइट्स का सेटअप, तो वो आपको देखने को मिलेगा भाई पूरे ही तरीके से एलईडी के अंदर। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से ही बजाज पल्सर एनएस 160 के अंदर आपको देखने को मिलता है सामने यूएसडी फोक्स और उसके ही साथ मीटर कंसोल में गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर का सिस्टम। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग देखें बजाज पल्सर के ही भाई 200 सीसी वाले कैटेगरी के अंदर, तो पहले बात तो दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 200 जो है ना, तो उसके भी अंदर आपको सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब कि एलईडी लाइट्स के अंदर जो कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो वही कुछ होंगे। और इसके अलावा पहले से ही भाई सामने यूएसडी फोक्स और इसके अलावा डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट और इसके अलावा जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है ना मीटर कंसोल में, तो वो कुछ पहले से ही देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से भाई वो कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट का जो पार्ट है, तो वही कुछ एलईडी के अंदर अभी देखने को मिलेगा न्यू वाले एनएस 200 में। और इसके हिस्से ये भी है कि न्यू वाले बजाज पल्सर आरएस 200 जो है ना, तो उसके अंदर ही भाई सबसे बड़ा जो अपडेट है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अपडेट का कुछ मतलब यही है कि पहले बात तो भाई बजाज पल्सर आरएस 200 का जो वेट है ना, तो उसको भाई कम किया जाएगा। और उसके ही साथ बजाज पल्सर आरएस 200 के अंदर आपको सामने यूएसडी फोक्स देखने को मिलने वाले हैं न्यू वाले मॉडल में। और इसके अलावा ये भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि बजाज पल्सर आरएस 200 में ना जो टेल लाइट का जो शेप है, तो उसको भी चेंज करके कुछ न्यू टेल लाइट जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा, मतलब न्यू स्टाइल का। वैसे तो दोस्तों डिटेल में भाई बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भाई डिटेल में अगर बात करने जाऊंगा तो ये जो वीडियो है ना, तो ये 10 मिनट का हो जाएगा, जो कि आपको भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी भाई पसंद नहीं आएगा। बाकी अगर डिटेल में जानना है तो मुझे एक बार कॉमेंट करके बोल दो, ताकि मैं भाई 125 सीसी से लेकर 200 सीसी के अंदर जितना भी जो भी कुछ पल्सर है, तो उसका भाई एक डिटेल वीडियो बना पाओ, जिसके अंदर मैं ये भी बोल पाऊं कि ये जो भाई पावर कितना होगा या फिर ये कितना होगा वो कितना होगा, तो ये सारा कुछ चीजें है। बाकी हाँ एक और भी चीज है कि बजाज पल्सर आरएस 200 का जो वेट है ना, तो वो कम होगा। और उसके ही साथ ये भी होगा कि बजाज पल्सर आरएस 200 के अंदर आपको जो इंजन है ना, तो उसके भी अंदर आपको जो ट्यूनिंग है तो वो अलग तरीके से न्यू वाले मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके वजह से बजाज पल्सर आरएस 200 का जो टॉप एंड है ना, तो वो और थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। और इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि बजाज पल्सर के ही जो 220F वाला मॉडल है ना, तो उसके भी अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने एलईडी प्रोजेक्टर लाइट और इसके ही साथ बजाज पल्सर 220F के अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने यूएसडी फोक्स और इसके अलावा डुअल चैनल ईबीएस का जो सपोर्ट है, तो वो भी कुछ देखने को मिल जाएगा। और बाकी भाई ये भी है कि बजाज पल्सर 220F के अंदर आपको जो इंजन है ना, तो उसके भी अंदर आपको कूलिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत इंप्रूव
इम्प्रूवमेंट जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, मतलब ऑयल कूल ही रहेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जिसके वजह से अभी देखो दोस्तों इम्प्रूवमेंट जो है ना तो इसी के ही वजह से बजाज पल्सर 220 एप का जो भाई टॉप एंड का जो परफॉर्मेंस है तो वो कुछ भाई इंक्रीज हो जाएगा भाई थोड़ा बहुत। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।